भाई क्या मामला आज जो है डिस्लरी प्लांट पर तालाबंदी की है? बीएल से संबंधित तो बहुत मामले हैं, एक से गंभीर है। एक तो सबसे पहले डिस्लरी के सामने इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने 1.5-2 साल पहले ये बात रखी थी युवाओं को रोजगार देंगे, आज तक तो इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया नहीं। जितने युवा तो निकाल और दिए यहाँ से, और सब बाहरी लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं और हमारे किसानों के बच्चे धक्के खा रहे हैं, तो इसके सामने तो इसलिए बैठे हैं। अरे कब तक बैठे रहेंगे? ये तो धरना जो शुरू हुआ है ये तो अनिश्चितकालीन ही धरना शुरू हुआ है, ये तो ऐसा मोर्चा पक्का लगा है इस मिल के खिलाफ। इस मिल ने कई मुद्दों को लेकर बहुत हड़दर्मी कर रखी है, पेमेंट बहुत डिले करता है, और के साथ साथ यहाँ पूरे धनोरा शहर में इसकी वजह से आम जनता इतनी परेशान है, रोज जाम लगा रहता है। एक ब्लूवर्ड सामने की स्कूल है, वहाँ बच्चों का जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इसके बड़े भारी वाहन झूलते रहते हैं, जिससे बच्चों में कभी भी हादसा हो सकता है। अगर इन्हें शर्म होती थोड़ी बहुत तो ये अपने यार्ड की व्यवस्था ना करें। यहाँ जो ये जाम लगते हैं आए दिन, तो इनके कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, और साथ साथ इन्होंने किसानों को कई जगह लूटने का काम कर रखा है। इनके जो सुपरवाइजर गाँव में दवाई बांटते थे वो दवाइयाँ मिल से लेकर कहीं और बेच गए, और किसानों के आज पैसे कट रहे हैं। ऐसे कई प्रकरण हैं, 40-40, 50-50 हज़ार किसान हज़ार रुपये किसान के खाते से कटने हैं, बल्कि किसान ने 1 रुपये की दवाई नहीं ली। तो इनके तो कान पर जू रैंग नहीं रही, लेकिन अब इन सब आर पार ही करके जाएंगे, निर्णय फाइनली करेंगे इनका होना क्या हमारा क्या होना, आप जो होगा देखिए। क्या मामला है जो किसान भाई पर बैठे? मामला ये है कि जो किसी प्लांट चुक के जो हम बैठे हैं आज, ये अभी दो मतलब एक साल पहले बनना शुरू हुआ था ये, तो मलेशिया मुसल्लेपुर मिला कि इनका उन्होंने इसके खिलाफ धरना दे रखा था कि भाई हमारा प्रदूषण होगा, हमारा पानी खराब होगा, हमें इससे दिक्कत आएगी। तो हमने क्षेत्र के विकास के देखते हुए कि मैंने कहा अगर हमारे क्षेत्र में जितनी लगेगी तो मिल को भी लाभ होगा, किसान को भी लाभ होगा। तो हमने उन लोगों को मनाया, मेहनत करी, उनसे प्रयास करा, ये लोग सारे हमारे घर गए, हमने उन लोगों को मनवाए गए, बिजली का वो दिलवाया, इन्हें सहमति दिलवाई क्षेत्र के लोगों से कि लग जावे निपत्ति। मलेशिया इंदरपुर पास के गाँव सबने धरना लगाया, करता लगातार धरना रखा, पर हमें पता था कि अगर बिजली लगेगी तो क्षेत्र का विकास होगा, तो हमारे लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने वायदा करा था कि हम क्षेत्र के लोगों को रखेंगे, और अब चलने के बाद इन्होंने ये कह दिया कि 50 किलोमीटर के दायरे का यहाँ क्षेत्र में युवा रखा ही नहीं जाएगा। इससे क्षेत्र में बहुत ही रोष है, और तुम्हें देख रहे हो रोज के आज किस युवा किस कंडीशन में यहाँ खड़ा है। हम लोग कह रहे हैं कि और मिल है पेमेंट के लेकर भी आज तक सभी सारी मिलों का पेमेंट बहुत आगे चल रहा है और हमारे सबसे पीछे चल रही है। इन बातों को लेकर धरना जाओ, और अनिश्चितकाल धरना है जब तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं करा, बात नहीं होगी जब लोग हमारा धरना जारी रहे। इससे पहले स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए मिल प्रबंधन से कोई बात हुई है? जब इस प्लांट लगा था तो उन्होंने वायदा करा था हमसे, उसमें थे हमारे बिंद्रा जी और अशोक जी, उन्होंने घर घर जाके करा के भी तो आप इसे प्लांट को लगवाओ, हम आपके क्षेत्र का प्लांट लगे, आपके क्षेत्र का विकास भी होगा और आपको रोजगार भी मिलेगा। उसके बाद आज तक हमने ज्ञापन दिया, ना ज्ञापन पर कोई वार्ता करी, आज भी तहसील में भी गए, पहले ज्ञापन दिया तो मजबूरी में, जब कोई प्रशासन हमसे कोई वार्ता करने नहीं आया तो जब मजबूरी में यह कदम हमें उठाना पड़ा। नहीं हम तो भाई बात से अगर सहमति हो जाती तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं, मजबूरी में आ गए। तुम आप देख रहे हो रोजगार युवा कितना परेशान है, आवाज़ जो है इनकी भी उसके लिए हम आए हैं। ठीक है, जमीन दे हम, गन्ना दे हम, और इनकी शहर मतलब प्रदूषण से है हम, पानी नीचे का खराब कर दिया हमारा, बच्चे लगे बाहर के, ये कौन सा नियम है? सन 1982 में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने ये कहा था, जितनी भी ये फैक्ट्रियां हैं इंडस्ट्री, इनमें जो जिस क्षेत्र में लगेंगी उस क्षेत्र के 50% बच्चे रखे जाएंगे। उसके बाद यहाँ देवेंद्र सिंह चेयरमैन थे, जब ये फैक्ट्री लगी डीएम साहब ने यहाँ मीटिंग ली, यहाँ हम बुलाए गए थे, सारे डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे, इन्होंने जद भी वादा करा था कि यहाँ चौखट वाले प्रधान जी ने बल्कि मुद्दे उठाया था कि हमारा पानी जो है इन्होंने ज़्यादा नीचे से ख़राब कर दिया, वाटर लेवल भी नीचे पहुँच गया, इनके 10-10 इंची के नीचे बहुत बड़े वो हैं, परंतु इन्होंने ये वादा करा था कि सबसे ज़्यादा हम 50% यहाँ के लोगों को रखेंगे, और आज इन्होंने 1% भी यहाँ के लोगों को रखने को मना कर दी, बाहर के लोगों को रखेंगे तो ऐसा हम यहाँ होने देने के, जब जमीन हम देंगे, गन्ना हम देंगे, और पानी का जो है प्रदूषण और वातावरण हमारा इन्होंने खराब कर दिया, और बच्चे बाहर के, ये कौन सा नियम है इनका? क्या वजह है जो स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? अब ये तो इनकी एक मनमानी है, ये तो इनकी एक मनमानी हो रही, वादे से मुकर रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं,
और फिर गन्ने का आज तक ना रेट कोई घोषित है ना हमें पेमेंट दे रहे, और दवाइयों का भी चंचू भाई ने जैसे बताया था वो घोटाला इनका सामने आ ही रहा है ना। तो धरना कब तक जारी रहेगा? धरना तो जी इतना हमारी मांगे पूरी ना होने की इतना यहाँ चलता रहेगा। मामला जो है धरना लगा रहा है भैया, जो हमारी जो प्लांट है शराब वाला, जब इन्होंने इसे लगाया था तो इसके खिलाफ जो है क्षेत्र वालों ने, हमने सबने किसानों ने क्षेत्र वालों ने आंदोलन करा था। इन्होंने ये कह रहे थे कि हमारे बच्चों को भी जो जमीन हमारी जा रही है इसका प्रदूषण हम भुगत रहे हैं, इससे जो है हवा हमारी खराब हो रही है, तो हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलना चाहिए। इन्होंने वादा करा था कि क्षेत्र वाले बच्चों को, आपके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। इन्होंने उसमें रेशू भी रखा था 60-40 का, और अब इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया इस पर कि 50 किलोमीटर के दायरे का कोई भी युवा जो है यहाँ नहीं रखा जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या मिल मैनेजमेंट से है। गन्ने का पेमेंट जो है धनोरा बैब शुगर मिल का सबसे ज़्यादा लेट है, पूरे ज़िले में पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा लेट है। तो इन सब बातों को लेकर आए दिन जो है यहाँ जाम लगा रहता है सड़कों पर, कोई स्कूल वाला अपना गाड़ियाँ खड़ी कर देवे, कोई कोई खड़ी कर देवे, किसानों को और क्षेत्र वालों को परेशानी होती है। मजा मार रहे हैं, माल मार रहे हैं, बंदर कुत्तों को खाती लग रही है, अरे बाहर वाले लोग मजा मार रहे हैं और जमीन और प्रदूषण हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे। आप देखो युवाओं में कितना रोष है, आज ये युवा घर से निकला है अपनी समस्या को लेकर, और जब तक इसका समाधान नहीं होने का। इसके अलावा और भी बहुत समस्या हमारी है, हमने ज्ञापन दिया था उसमें 7 सूत्रीय मांग थी हमारी, तहसील में बैठे रहे कोई सुनने नहीं आया। अब हम यही सड़क भी जाम यही करेंगे और यहीं अपना जो है धरना लगाएंगे, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होने का, जब तक जो हमारा धरना जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। क्या मामला मंत्री जी, जो है धरना लगा रखा है? भाई हवा हमारी खराब, पानी हमारा खराब, जमीन ने हमारी गिरी, और रोजगार करने लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे गन्ने के पैसे नहीं है, बाकी सबकी मौज आ रही है। तो धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी। हमने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से इनसे कई बार वार्ता कर ली, चक्कर में कि भाई इन लोगों को भी थोड़े बहुत कुछ हिस्सा तो इनका भी हो, जिनकी जमीन न गई, जिनकी हवा खराब हो रही है, जिनका पानी खराब है, लेकिन इन्हें नहीं मिला, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। सबसे पीछे अगर जनपद में कोई मिल है तो धनोरा शुगर मिल, गन्ने का भुगतान करने में ऐसा क्यों भाई? जबकि एथनॉल भी तुम बना रहे हो, बिस्लरी भी तुम्हारी चल रही है, शराब भी तुम बेच रहे हो, लोहे की फैक्ट्री भी तुम्हारी चल रही है, उसके बाद भी पैसे नहीं है। जो सिंगल सिंगल प्लांट चला रहा है उनके पैसे हैं। तो भैया किसान का गन्ना ठीक लो, उसका भुगतान समय पर दो, और स्थानीय युवकों को रोजगार दो, यही हमारी मांग है। जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे।